सर, खुर्जा पुलिस ने चार लुटेरों को गिरफ्तार किया, किन घटना में ये बात हुई थी, क्या मामला? ये 27/28 की रात्रि में थाना खुर्जा नगर के एक गांव मिर्जापुर में एक कृष्णा डेयरी करके है, जो कि पनीर सप्लाई का काम करती है। उसकी गाड़ी जब दिल्ली गई हुई थी और वहां कुछ सामान बिक्री करके आ रही थी, तो रात्रि करीब 1 बजे उस गाड़ी पर सवार जो भी कृष्णा डेयरी के कर्मी थे, उनको 3 लोगों द्वारा रोककर उनसे तमंचे के बल पर उनके पास जो बिक्री के पैसे थे, कुल 1,20,000 रुपये, ये उनके द्वारा लूट लिए गए थे। इस सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पुलिस एक्टिवेट हुई और लगभग 4 घंटों के अंदर ही जितने भी इसमें अभियुक्त थे, इस घटना को करने वाले, उन सभी को उनके द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब जो ड्राइवर और उसके साथ में खलासी था, उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई, तो उसमें एक कुलदीप नाम का व्यक्ति था जिसने कि इस घटना की पूरी प्लानिंग करना बताया, और उसने अपने 3 अन्य साथियों के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। जब वहाँ से वो निकला था, तो उसने अपने साथियों को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा था, जिससे कि उनको ये पता लग जाए कि अब वो गाड़ी निकल गई है और आने वाली है, और रास्ते में उसके साथियों ने इस गाड़ी को रोककर गाड़ी में जो भी बिक्री के पैसे थे वो छीन लिए थे। इस घटना का सफल और त्वरित अनावरण करने के लिए थाना खुर्जा नगर की टीम को 25,000 रुपये का इनाम मेरे तरफ से दिया गया है, और इन सभी चारों अभियुक्तों से पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, और इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई बराबर सुनिश्चित है की सर। जाएगी। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, उनके पास से जो लूटे गए 1,20,000 रुपये थे, वो 100% रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ इनके पास से 2 अवैध असलहे में कारतूस और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। ठीक है।